नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज एक नए टॉपिक की ओर फिर से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, ईओडी क्रेन में जो लॉन्ग ट्रेवल लगी हुई रहती है, लॉन्ग ट्रेवल में कौन सा हम प्रोटेक्शन लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैंने इसलिए बताया था ताकि आपको लॉन्ग ट्रेवल, जो ईओडी क्रेन में लॉन्ग ट्रेवल लगी हुई है, उसका मैं कंट्रोल डायग्राम बताने के लिए जा रहा हूँ। और कंट्रोल डायग्राम बताने से पहले उसमें जो प्रोटेक्शन डिवाइस लगाए जाते हैं उसका जानना आपको बहुत ही जरूरी था। इसलिए दोस्तों, मैं पिछले क्लास में ईओडी क्रेन में जो लॉन्ग ट्रेवल है उसमें क्या क्या प्रोटेक्शन डिवाइस लगाए जाते हैं। दो लिमिट स्विच तो 100% लगाते हैं, जो एक लेफ्ट एंडिंग में एक राइट एंडिंग में रहता है। और उसके साथ हम लगाते हैं दोस्तों एक माइक्रो बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम एंटी क्लोजन डिवाइस है। ओके दोस्तों, जिसका नाम एंटी क्लोजन डिवाइस है। ओके दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हूँ, आप वहां पर जाके देख लीजिएगा। तब भी मैं एक बार बता दूं, जो एंटी क्लोजन डिवाइस है उसका काम है दोस्तों, सपोज एक स्ट्रक्चर पर, एक कॉलम पर दो तीन क्रेन खड़ी है, ईओडी क्रेन खड़ी है। ईओडी क्रेन जब दोनों ईओडी क्रेन सामने आएगी, दोनों क्रेन आपस में न टकराए, इसलिए एंटी क्लोजन डिवाइस का हम यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं ईओडी क्रेन में जो लॉन्ग टेबल लगी हुई रहती है उसके कंट्रोल डायग्राम के बारे में। ओके, तो कंट्रोल डायग्राम कुछ इस तरह से बना हुआ रहता है दोस्तों। बेसिकली आप जानते हैं कि ईओडी क्रेन में जितने भी स्टार्टर लगे हुए रहते हैं सब फॉरवर्ड रिवर्स है, और उसको स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, रेजिस्टेंस को फुल्ली बाईपास करने के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का यूज करते हैं। और उसके साथ जिस जो यंत्र, जो मशीनरी हम चला रहे हैं, उस मशीनरी में हमको क्या सेफ्टी देना है, उसका कुछ सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं। ओके दोस्तों, ईओडी क्रेन लॉन्ग ट्रेवल कंट्रोल डायग्राम। ओके दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमें कंट्रोलिंग सप्लाई कहां से प्रोवाइड होती है, प्रोटेक्टिव पैनल से। ईओडी क्रेन के प्रोटेक्टिव पैनल से हमने फेज न्यूट्रल सप्लाई ले लिया। ओके, न्यूट्रल हमारा कोई भी सर्किट में हम डायरेक्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब डायरेक्ट लगाते हैं। ओके दोस्तों, डायरेक्ट लगाते हैं। यहां पर क्या बनाएंगे, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, किससे कंट्रोल करेंगे दोस्तों, बाय मास्टर कंट्रोलर से कंट्रोल करेंगे। ये सप्लाई, फेज सप्लाई, न्यूट्रल मैंने क्या डाला, डायरेक्ट डाल दिया। फेज सप्लाई को मैं कहां डालूंगा दोस्तों, फेज सप्लाई को मैं डालूंगा सीधा एमसीसी में। एमसीबी में मैंने फेज सप्लाई डाल दिया, और एमसीबी से फेज सप्लाई निकाल के मैं क्या कहां डालूंगा दोस्तों, ओवरलोड में। तो लॉन्ग ट्रेवल में दोस्तों क्या रहता है, लॉन्ग ट्रेवल में दो मोटर लगी हुई रहती है। ओके, लॉन्ग ट्रेवल में दो मोटर लगी हुई रहती है, ईओडी क्रेन के लॉन्ग ट्रेवल में दो मोटर लगी हुई है, तो दोनों मोटर का दो ओवरलोड हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, दोनों मोटर का दो ओवरलोड हो जाएगा। उसका कनेक्शन कैसे होगा, दोनों ओवरलोड का कनेक्शन कैसे होगा दोस्तों, सीरीज में कनेक्शन होगा। दोनों ओवरलोड का कनेक्शन सीरीज में कनेक्शन होगा, ताकि एक भी मोटर ट्रिप करे तो दोनों सर्किट ब्रेक हो जाए। ऐसा इसलिए दोस्तों कि मान के चलिए क्रेन में चार पहिया लगा हुआ है, और दोनों दोनों साइड में एक मोटर, इस साइड में एक मोटर लगा के रखे हैं, एक मोटर चलना बंद कर दिया, एक मोटर चलेगी तो क्या होगा, क्रेन का डायगोनल जो है वो डिसमिस हो जाएगा, क्रेन तिरछा हो जाएगा। ओके, वो तो चलेगी, लेकिन जब तिरछा हो जाएगा क्रेन, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, जितने भी मैकेनिकल यंत्र मशीनरी लगे हुए हैं सब डैमेज हो जाएगा, व्हील वगैरह सब डैमेज हो जाएगा। ओके, क्रेन एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्रेन पटरी से उतर भी सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए दो मोटर में दो ओवरलोड तो लगाते ही हैं, बट उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, सीरीज में करते हैं, ताकि एक भी मोटर का हमारा नहीं चले तो दूसरा मोटर भी चलना बंद हो जाए। सीरीज में कैसे, दो ओवरलोड को सीरीज में लगाएंगे। यही रीजन है दोस्तों कि सब में तो हम फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोल का ही यूज करते हैं, बट कुछ कुछ चेंजिंग है। इसीलिए इस चेंजिंग को दर्शाने के लिए, बताने के लिए मैं पर्टिकुलर एक एक सर्किट का मैं डायग्राम आपके सामने रखता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारा डायग्राम, हमारा सर्किट, हमारा वीडियो जरूर से जरूर देखें और समझें, और यदि समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दो ओवरलोड मैंने क्या किया, सीरीज में लगाया। किस लिए लगाया दोस्तों,
क्योंकि दो मोटर का कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सपोज एक भी मोटर का यदि हमारा ओवरलोड से ट्रिप हो जाता है, नहीं चलता है, तो क्या होगा, दोनों मोटर में कंट्रोलिंग सप्लाई बंद हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए मैंने सीरीज में किया। इसके पहला ओवरलोड, ओवरलोड वन, ओवरलोड टू, ओवरलोड वन के एनसी में डाला सप्लाई, उसके आउटपुट से निकाला, दूसरे ओवरलोड के एनसी में डाला, उसके आउटपुट से हमको क्या मिलेगा, नॉर्मली क्लोज है तो डेफिनेटली यहाँ पर सप्लाई हमको मिल जाएगी। ओके दोस्तों, डेफिनेटली हमको यहाँ पर सप्लाई मिल जाएगी। अब ये सप्लाई हम कहाँ डालेंगे, कहाँ डालेंगे दोस्तों, सेफ्टी डिवाइस में। ओके, सेफ्टी डिवाइस में डालेंगे। तो सेफ्टी डिवाइस में कैसे डालेंगे, यहां से हमारा सर्किट स्टार्ट हो जाएगा, ओवरलोड के बाद से हमारा सर्किट बनाना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज यहां से मैंने एक वायर लिया, ये कहां डाला हूं, सीधा मास्टर कंट्रोलर में डाला। ओके, मास्टर कंट्रोलर में डाला, ये फॉरवर्ड का मास्टर कंट्रोलर है, फॉरवर्ड के मास्टर कंट्रोलर से निकालकर लिमिट स्विच में डाला, जो फॉरवर्ड का लिमिट स्विच है, फॉरवर्ड के लिमिट स्विच से निकाल के इस वायर को मैं कहां डालूंगा, एंटी क्लोजन डिवाइस में डालूंगा, एंटी क्लोजन डिवाइस में डाला। उसका एंटी क्लोजन डिवाइस का हमारा क्या है दोस्तों, एंटी क्लोजन डिवाइस का क्या है, उसमें भी हमारा एक रिले रहता है जिसमें कॉमन एक एनओ एक एनसी, तो किसका यूज करना है, नॉर्मली क्लोज एनसी का यूज करना है, एंटी क्लोजन डिवाइस का हमको एनसी का यूज करना है। ओके, ए ओ डी एंटी, सॉरी ए सी डी, एंटी क्लोजन डिवाइस ए सी डी, उसके एनसी में डाला, उसके एनसी से निकाल कर मैं क्या करूंगा, ये सप्लाई को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने मास्टर कंट्रोलर से में डाला, मास्टर कंट्रोल से जो सप्लाई निकली वो सप्लाई मैंने फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट का जो लिमिट स्विच है, लीवर लिमिट स्विच है, उसमें भी डाला, वो भी एनसी है दोस्तों, वो भी क्या है, एनसी है। ओके, एनसी है तो नॉर्मली क्लोज है, तो सप्लाई हमको यहाँ मिल गया। ये सप्लाई सीधा मैंने एसीडी एंटी क्लोजन डिवाइस में डाला, उसका भी एनसी कॉन्टेक्ट पॉइंट में मैंने डाला। एनसी कॉन्टेक्ट पॉइंट से जैसे ही सप्लाई हमको यहाँ मिल गया, ये सप्लाई सीधा कहाँ जाएगी दोस्तों, फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टेक्टर है तो क्या होगा, इंटरलॉकिंग हो जाएगा। किसके साथ, इस यहां मैं सप्लाई किसको दे रहा हूं, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को, तो किसके साथ इंटरलॉकिंग होगा, रिवर्स कॉन्टेक्टर के साथ। रिवर्स कॉन्टेक्टर के कौन से कॉन्टेक्ट पॉइंट में डालेंगे, एनसी नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली क्लोज में यह सप्लाई गई, ये भी एनसी है, नॉर्मली क्लोज में यह सप्लाई गई, यहां से सप्लाई सीधा निकलकर कहां जाएगी दोस्तों, सीधा चली जाएगी फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के ए वन कॉइल में, हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। फिर से एक बार मैं समझाता हूं, सप्लाई ओवरलोड से निकला, यहां से सप्लाई एक सप्लाई निकलकर सीधा मास्टर कंट्रोल के माइक्रो स्विच में गया, माइक्रो स्विच से जो वायर निकला, आउटपुट वायर जो निकला, वो वायर मैंने डाला फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के लिमिट स्विच में, लिमिट स्विच से जो वायर निकला, आउटपुट निकला, वो चला गया एंटी क्लोजन डिवाइस के एनसी कॉन्टेक्ट पॉइंट में, और वहां से जो डिवाइस निकला वो सीधा चला गया दोस्तों कहां, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है तो रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी एडन ब्लॉक में, और वहां से सप्लाई निकलकर हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑन कमांड मिला। कहने का मतलब है फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो गया। ओके दोस्तों, इसके साथ भी ब्रेक कॉन्टेक्टर लगाया जाता है, इसके साथ भी ब्रेक कॉन्टेक्टर लगाया जाता है, तो सेम फंडा अप्लाई करेंगे, इसके ए वन के क्वाइल से एक एनो कॉन्टेक्ट में, फॉरवर्ड का एनो कॉन्टेक्ट में एक सप्लाई मैंने डाल के रखा हूं। ओके दोस्तों, अब ब्रेक कॉन्टेक्टर को कैसे ऑन कराना है मैं जस्ट दो सेकंड में आपको बताता हूं, उससे पहले बात करते हैं रिवर्स कॉन्टेक्टर की। ये जो कॉमन सप्लाई दोनों ओवरलोड से निकला, यही वायर के आउटपुट से ही हमको माइक्रो स्विच में डालना है, किसके लिए, रिवर्स कॉन्टेक्टर के लिए। तो रिवर्स कॉन्टेक्टर के लिए हम जब डालेंगे दोस्तों, तो कहां डालेंगे, सबसे पहले माइक्रो स्विच में डालेंगे, ये रिवर्स है तो नीचे में डार्क हमारा नीचे डार्क करना है। ओके, यहां से सप्लाई निकलेगी सेम फंडा, रिवर्स के लिमिट स्विच में जाएगी, रिवर्स लिमिट स्विच, वहां से निकलेगी सीधा कहां जाएगी, एंटी क्लोजन डिवाइस के, एंटी क्लोजन डिवाइस के एनसी कॉन्टेक्ट पॉइंट में, एसीडी
एसीडीसी निकलकर सीधा चली जाएगी फॉरवर्ड के एनसी एडन ब्लॉक में, फॉरवर्ड के एनसी एडन ब्लॉक में, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर जो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है उसके एनसी एडन ब्लॉक में, क्योंकि हमको इंटरलॉकिंग करना है। इसलिए करना है दोस्तों कि ताकि दोनों फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टेक्टर एट ए टाइम ऑन ना हो। ओके, यहां से सप्लाई निकलकर सीधा कहां चली जाएगी, रिवर्स कॉन्टेक्टर में, रिवर्स कॉन्टेक्टर के ए वन कॉइल में, न्यूट्रल डायरेक्ट। ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों? नहीं समझ में आने से हमारे कॉन्टेक्ट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में आप जाकर जरूर लिखे, मैं हो सके तो इससे भी अच्छा समझाने का आपको कोशिश करूंगा। समझ गए ना? अब यहाँ क्या करेंगे, सेम फंडा जैसे सेम एप्लीकेशन में ईओडी कंट्रोल में करता हूँ, रिवर्स का भी एक एनो कॉन्टेक्ट पॉइंट लूंगा, माने कॉन्टेक्ट ऑक्सिलरी एडन ब्लॉक लूंगा, नीचे में शॉर्ट कर दूंगा, शॉर्ट करके यहाँ पे क्या डालूंगा, एक ब्रेक कॉन्टेक्टर डाल दूंगा, ए न्यूट्रल ए टू में डायरेक्ट चली गई, ये हो गया बी वन ब्रेक कॉन्टेक्ट। यहां तक आपने समझ लिया मेरा फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टेक्टर, मैंने क्या क्या डिवाइस लगाया, यहाँ पर दो लिमिट स्विच लगाया, दो एंटी क्लोजिंग डिवाइस लगाया, सेम इंटरलॉकिंग जैसे फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में होता है स्टार्टर में डाला, और फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टेक्ट में सप्लाई डाल दिया, और दोनों फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टेक्ट के दोनों एक एक एनो एडन ब्लॉक का यूज करके उसके साथ नीचे में शॉर्ट कर दिया, दोनों में एडन ब्लॉक में क्या किया, फॉरवर्ड और रिवर्स के दोनों एडन ब्लॉक में एक एक वायर लगे, यहाँ में उसकी इनकमिंग में और इस रिवर्स कॉन्टेक्टर के इनकमिंग में एक वायर लाके डाल दिया, कहां से, इसके ऑन कमांड से, ए वन से। ओके, और नीचे में शॉर्ट कर दिया, इसलिए शॉर्ट किया दोस्तों कि दोनों कॉन्टेक्टर में से यदि कोई भी एक कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो हमारा ब्रेक कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ताकि ब्रेक को भी सप्लाई मिले, जो हमारे क्रेन में थ्रस्टर ब्रेक रहती है, मोटोराइज ब्रेक रहती है, उसको भी सप्लाई मिले। ओके, ये हमारा हो गया पावर डायग्राम, लॉन्ग ट्रेवल का पावर डायग्राम का कंट्रोल सर्किट। ओके, फॉरवर्ड रिवर्स। अब सेम फंडा अप्लाई करना है, जैसे कि आर सब सर्किट में मैंने बताया था, मेन होस्ट ऑक्सिलरी सर्किट में स्टेप रेजिस्टेंस के लिए क्या फंडा अप्लाई करना है, तो यहीं से ये सप्लाई ओवरलोड से निकलकर ये सीधा सप्लाई, सीधा सीधा सप्लाई कहां जाएगी दोस्तों, बी वन के एनो एडन ब्लॉक में, बी वन के एनो एडन ब्लॉक में, ताकि हमारा जब तक ब्रेक ऑन ना हो मोटर मेरा स्पीड हम और नहीं तेज से बढ़ा सके, सेफ्टी के लिए, थोड़ा सेफ्टी के लिए, नुकसान होगा बट ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब हम करते क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से सप्लाई जो निकला है ये स्टेप वन हो गया, फॉरवर्ड रिवर्स का वन वन स्टेप हो गया, दो नंबर स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, दो नंबर स्टेप में यहाँ से जो सप्लाई निकला है दोस्तों, अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों टी टाइमर वन, भाया टाइमर वन, भाया टाइमर टू, भाया टाइमर थ्री से हम स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हमको टी वन टाइमर को ऑन करवाना है, टी वन टाइमर हमेशा पावर कॉन्टेक्टर के साथ ही ऑन होगा। ओके, पावर कॉन्टेक्टर जो हमने फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टेक्टर लगाया है उसके दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट से सप्लाई निकल जाएगा, कहां से, ए वन से सप्लाई निकल जाएगा, ए वन से एक एक वायर निकल जाएगा, ए वन से एक एक वायर निकल जाएगा दोस्तों, यहां से एक वायर निकला, यहां से एक वायर निकला, ये कहां जाएगी, दोनों फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टेक्टर का फिर से एक अलग से एनो एडन ब्लॉक का यूज करेंगे। यहां पर मैंने एनो एडन ब्लॉक का यूज किया, किसका, दोनों फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टेक्टर का एक एनो एडन ब्लॉक को यूज किया, फॉरवर्ड और रिवर्स नीचे में शॉर्ट कर दिया, जैसे ब्रेक कॉन्टेक्टर में जो फंडा अप्लाई किया वही फंडा टाइमर को ऑन कराने के लिए होगा। ओके, यहां से मैंने क्या किया, नीचे में टी वन टाइमर मैंने लगा दिया, न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट दे दिया, ए वन में फेस सप्लाई, ए टू में न्यूट्रल मैंने दे दिया, टी वन टाइमर हमारा ऑन हो चुका है। बट ये किस टाइप की टाइमर है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, हम लोग नॉर्मली क्रेन में, ईओडी क्रेन में जो कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाते हैं उसमें ऑन डिले टाइमर का यूज करते हैं। ऑन डिले टाइमर का कहने का मतलब है दोस्तों, सपोज यहाँ पर मैंने 10 सेकंड टाइम सेट करके रखा हूं, तो मैं सप्लाई चार्ज करने के बाद भी यदि मैं 10 सेकंड टाइम सेट किया हूं तो 10 सेकंड के बाद ही ये अपना काम करना शुरू करेगा, 10 सेकंड के बाद ही इसमें जो रिले या कॉन्टेक्ट पॉइंट लगी हुई है वो अपना काम एनओ से एनसी या एनसी से एनओ करना शुरू करेगा। अब आते हैं रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर के बाद,
रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर माइक्रो स्विच 2 नंबर गियर में मैंने डाला। जैसे ही मास्टर कंट्रोलर का 2 नंबर मैंने डाला तो मेरा 2 नंबर गियर में क्या होगा दोस्तों, हमेशा 1 नंबर गियर में पावर कॉन्टेक्टर ऑन होता है, 2 नंबर गियर में रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 1 ऑन होता है। ओके, तो 2 नंबर गियर, सपोज ये रेजिस्टेंस का हमारा मास्टर कंट्रोलर का 2 नंबर माइक्रो स्विच है। ओके, 2 नंबर माइक्रो स्विच है, 2 नंबर माइक्रो स्विच से सप्लाई मैंने इनकमिंग में डाला और आउटपुट में सप्लाई हमको यहाँ से मिली। आउटपुट से जो सप्लाई मिली वो सीधा सप्लाई कहाँ जाएगी, ध्यान से देखिएगा, T1 टाइमर मैंने लगा के रखा हो। T1 टाइमर में भी 2 कॉन्टेक्ट पॉइंट है, 2 रिले है, सॉरी 1 रिले है। एक रिले में कॉमन पॉइंट पार्ट हो गया और कॉमन पार्ट के साथ जो जुड़ी हुई है दोस्तों एक NO एक NC। तो हमको ये T1 टाइमर में कहां पर सप्लाई चार्ज करना है, जो आउटपुट सप्लाई निकली, जो आउटपुट वायर निकला कहां से निकला, मास्टर कंट्रोलर के 2 नंबर माइक्रो स्विच से। ये वायर जो आउटपुट वायर निकली है दोस्तों, इस वायर को मैं टाइमर टी वन के NO कॉन्टेक्ट पॉइंट में डालूंगा। किस लिए डालूंगा दोस्तों, सबसे पहले मैं तो डाल देता हूं T1, ताकि ऑपरेटर चाह कर भी एट ए टाइम यदि 5 नंबर या 4 नंबर गियर में मास्टर कंट्रोलर को रख देती है तो मेरा रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन ना हो। क्यों ऑन ना हो, किस लिए ऑन नहीं होगा, क्योंकि मैं टाइमर लगाकर रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर को सप्लाई दे रहा हूं। किस टाइप के टाइमर लगाकर सप्लाई दे रहा हूं दोस्तों, ऑन डिले। ओके, ऑन डिले टाइमर, ये क्या है दोस्तों, ऑन डिले। ऑन डिले का फंडा क्या है, अभी जस्ट 2 सेकंड पहले मैंने आपको बताया कि सप्लाई चार्ज होने के बाद भी यदि 10 सेकंड टाइम सेटिंग है, 10 सेकंड टाइम सेटिंग है तो 10 सेकंड के बाद ही अपना काम करना शुरू करेगी। ओके, तो 10 सेकंड के बाद सप्लाई जैसे पावर कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, बट 10 सेकंड टाइम सेटिंग है, 10 सेकंड के बाद ही ये टाइमर ऑन होगा, 10 सेकंड के बाद ही टाइमर जब ऑन होगा या एक्टिव होगा कहिए, तब जाके इस टाइमर का जो NO है नॉर्मली ओपन हो क्या होगा, नॉर्मली क्लोज होगा, तब जाकर ही सप्लाई यहां से निकलेगी और सप्लाई सीधा निकलकर किसको देगी दोस्तों, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 1। रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर जो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है, न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट किया और रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 1 R1 को सप्लाई मिली, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 1 हमारा ऑन हो गया। ओके, अब क्या करना है, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर के A1 वायर से ही हम एक पैरेलल में सप्लाई लेके जाएंगे, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर के NO एडन ब्लॉक में डालेंगे और उसके आउटपुट में एक T2 टाइमर लगा देंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, T2 टाइमर लगाएंगे। हमको दूसरा रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर भी ऑन कराना है, डायरेक्ट नहीं, बाय टाइमर से। ओके, T2 टाइमर मैंने लगा दिया। ओके, अब T2 टाइमर तो यहां लग गया, A1 में पॉजिटिव फेज सप्लाई, A2 में न्यूट्रल सप्लाई मिल गया। ओके, अब क्या करना है, सेम लॉजिक सेम फंडा अप्लाई करना है, 3 नंबर माइक्रो स्विच में लेकर जाएंगे, 3 नंबर माइक्रो स्विच में लेके जाएंगे। यहां पर हम माइक्रो स्विच पहले बनाता हूं, ये माइक्रो स्विच का सिंबल है जो ऊपर नीचे डाल के, मैं बार बार कहता हूं दोस्तों एक चीज को, मैं बार बार सब प्रत्येक क्लास में समझाता हूं ताकि आप मिसिंग ना हो, आपको समझने में सुविधा हो। ये माइक्रो स्विच है, ये ऊपर में डार्क है नीचे में डार्क है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दोस्तों, ये दोनों कंडीशन में, मास्टर कंट्रोलर का लेफ्ट राइट के भी कंडीशन में और राइट में भी मास्टर कंट्रोलर को जब मूव कराएंगे दोनों कंडीशन में ये क्या करेगा, सर्किट को ऑन कमांड देगा, NO से NC होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सेम फंडा T2 के टाइमर के NO में जाएगी, T2 टाइमर के NO में जाएगी, यहां से आउटपुट सप्लाई निकलेगी, किसको ऑन कराएगी, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 2 को ऑन कराएगी। यहां से पैरेलली सप्लाई लेंगे, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 2 के NO में सप्लाई डालेंगे, यहां से सप्लाई 1 निकालकर किसको ऑन करेंगे, टाइमर 3 T3। ओके दोस्तों, न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट कर दिया, मेरा रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 2 भी ऑन हो गया। ओके,
अब हमको रेजिस्टेंस कॉन्ट्रेक्टर 3 ऑन करना है, सेम फंडा अप्लाई करेंगे क्योंकि मैंने टाइमर 3 लगा दिया हूँ, टाइमर 3 लगा दिया हूँ। अब यहाँ से एक वायर सीधा जो कॉमन वायर है आएगी और एक माइक्रो स्विच नंबर 3 ये 4 में चली जाएगी। 4 में जैसे ही जाएगी दोस्तों, यहाँ से जो आउटपुट सप्लाई निकलेगी, यहाँ से जो आउटपुट सप्लाई निकलेगी वो कहाँ जाएगी, टाइमर 3 के एनो एडन ब्लॉक में। टाइमर T3 के एनो एडन ब्लॉक से जो सप्लाई निकलेगी और सप्लाई हमने कहाँ डाला, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 3, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 3 में डाला। हमारा रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 3 भी ऑन हो गया। सपोज ये 3 नंबर गियर में हमारा, सॉरी 4 नंबर गियर में जाकर 3 नंबर रेजिस्टेंस ऑन हो रही है। इसका मतलब है लॉन्ग ट्रेवल में छोटा मोटर रहता है, इसका रेजिस्टेंस बॉक्स भी छोटा रहता है, इसलिए 3 नंबर 4 नंबर गियर तक रेजिस्टेंस हमारा फुल्ली बाईपास हो जाता है और मोटर का स्पीड इंक्रीज हो जाता है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डायग्राम आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस बेसिस पर, इस डायग्राम के बेसिस पर आप इस डायग्राम को देखें, ठीक है। और इसको देखने के बाद यदि समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और जरूर से जरूर मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने दोस्तों नए भाइयों तक पहुंचाएं। नमस्कार दोस्तों।